नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। खबर कानपुर से है, जहां हिंदी साहित्य भारती की चिंतन बैठक का आयोजन नारायण मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज रतनपुर कॉलोनी पनकी कानपुर में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश भारत सरकार और हिंदी साहित्य भारती के केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविन्द्र शुक्ला मौके पर पहुंचे और संगठन के संबंध में सभी को विस्तार से जानकारी दी। बता दें कि हिंदी में साहित्य भारती ने मानव बन जाने जग सारा ये पावन संकल्प हमको अपना ध्येय बनाकर विश्व के बुद्धिजीवियों को एक साथ लाकर शांति की स्थापना के लिए विश्व को इसी चिंतन धारा का पक्षधर बनाने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रविंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बुद्धिजीवी ही मिलकर ऐसा वातावरण निर्माण कर सकते हैं कि मनुष्य पूजा पद्धति की और दुर्ग्रही मनोवृत्ति से दूर हटकर मानवीय संवेदनाओं से युक्त हो जाए और विश्व में शांति संभव हो। इसीलिए इस विश्व उद्देश्य के सकारात्मक सोच के साथ बुद्धिजीवियों को एकजुट करना है। भारतीय सनातन चिंतन धारा ही एकमात्र इस कसौटी पर खड़ी उतरती है, जहां पूजा पद्धति का दुराग्रह लेश मात्र भी नहीं है। इस महान कार्य के लिए विश्व के सारे बुद्धिजीवियों को एक मंच पर लाने के लिए ही हिंदी साहित्य भारती का गठन हुआ है और संगठन इन्हीं उद्देश्यों पर कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में दूर दराज से आए अनेकों लोग सम्मिलित हुए। मानव बन जाए जग सारा ये पावन संकल्प हमारा, हिंदी साहित्य भारती की टीम द्वारा एक बैठक आयोजित की गई है। हमारे बीच पूर्व शिक्षा मंत्री भारत सरकार से रहे डॉक्टर रविन्द्र शुक्ला जी मौजूद है। आइए जानेंगे इस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर अहम चर्चाएं की गई हैं। सर, सी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हिंदी साहित्य भारती को कवर करने के लिए यहाँ आए हैं, आपका आभार। बिना मानव बने दुनिया में युद्ध बंद नहीं हो सकता, मारकाट बंद नहीं हो सकते, रक्तपात बंद नहीं हो सकता। मानव बनाना ही पड़ेगा लोगों को, और मानव बनाने की प्रक्रिया या शक्ति केवल भारतीय संस्कृति, भारतीय चेतना, भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन में है और किसी में नहीं है, क्योंकि यही उपासना पद्धति से ऊपर एक जीवन पद्धति है, आचार पद्धति है। बाकी दुनिया में कोई आचार पद्धति नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है। और ये शक्ति सनातन में है, सनातन इसको करेगा, पहले भी करते रहे। हमने कहा था कृणवंतो विश्वमारेम, सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाने की कल्पना लेकर के हमारे ऋषि गए थे, आज भी आवश्यकता है। आज हमने कहा मानव बन जाए जग सारा, अर्थ वही है, कृणवंतो विश्वमारेम। सर, प्रमुख रूप से क्या कार्य है अपने संगठन के? मैंने बताया ना यही कि सारी दुनिया को एजुकेट करके हम एक ऐसा बौद्धिक वातावरण बनाएंगे ताकि भारत दुनिया का मार्गदर्शन कर सके, अर्थात 21वीं सदी में भारत दुनिया का गुरु बन सके। हमारे चैनल के द्वारा दो शब्दों में क्या संदेश देंगे? मैं चैनल के माध्यम से पहले तो मैंने आभार प्रकट किया कि आप इस अच्छे काम के लिए आए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसलिए सी न्यूज निश्चित रूप से आभार का पात्र है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप दिन दुनिया राज्य में प्रगति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।